ठीक है शुरू कर देते जी हैं। तो आज रेकी के सिंबल्स की बात करेंगे। आज हम रेकी टू स्टार्ट कर रहे हैं, रेकी का लेवल टू। रेकी वन टच हीलिंग था, चक्रास था, हमने उसमें चक्रास की हीलिंग करी, हमने फुल बॉडी हीलिंग करी हाथों से। अब हम इसमें जो है सिंबल्स ऐड कर देंगे। सिंबल जिसे हम यंत्र कहते हैं, सबने देखे हैं यंत्र, पूजा पाठ के यंत्र होते हैं। हम लोग जैसे घरों के बाहर ओम बना देते हैं तो उसकी ऊर्जा होती है, इसी तरह से रेकी की ऊर्जा कुछ यंत्रों पे काम करती है, एक तरह से उनके यंत्र हैं ये। तो रेकी टू के सिंबल्स गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार से इनकी हमने एक उनको वो करना है, पवित्रता, उनकी पवित्रता को ऑनर करना है। तो कोई चीज़ पवित्र होती तो हम ऐसे फेंक नहीं देते ना कि कोई भी उठा ले, भगवान जी हैं तो संभाल के रखेंगे। तो सिंबल्स हैं तो ये कागज़ वगैरह पे भी बनाते हैं हम, तो उनको संभाल के रखते हैं या उन कागज़ को जला के उनकी पवित्र जो राख है वो हम गमले में या ऐसी जगह पानी में बहाते हैं, नाली में नहीं बहाएंगे। तो सिंबल्स आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे कागज़ पर भी, तो वो आप जो है उसकी वो उसको फेंकना नहीं है कहीं पर भी। तो हम रेकी के सिंबल्स करेंगे। रेकी के सिंबल्स जो हैं हमें एक बार बनाने होते हैं और 3 बार। एक पहला सिंबल है चोकुरे। चोकुरे का मतलब होता है ब्रिंग द पावर हेयर, ये पावर सिंबल है चोकुरे। अपनी कॉपी में बनाना है आपने, पेंसिल लेके पहले ऐसे लाइन आएगी, फिर नीचे आएगी और स्पाइरल 3.5, ये ध्यान से आपने बनाना है। एक बार ड्रॉ करने के बाद 3 बार बोलते हैं चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मेरे हाथों को आप देख पा रहे हो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। दीपक जी आपका वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे पा रहा ठीक से। नहीं हाँ थोड़ा दिखा है बट क्लियर नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है दीपक जी, वंडरफुल, बिल्कुल परफेक्ट। एक बार ड्रॉ करेंगे 3 बार, 3 बार चैंटिंग करेंगे। तो मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ स्क्रीन शेयर, 1 मिनट, ये मैं सबको सबको देख सकती हूँ, वाइल सबको नहीं देख नहीं पाएंगे। देख पाएंगे। तो स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है तो मैं आप लोगों को नहीं देख पाऊंगी पूरा सबको। तो आप लोग सिंबल को देख लीजिए, कॉपी पे बनाइए। एक बार कॉपी पे बनाना है आपने, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। 3 बार चैंटिंग करेंगे, एक बार सब लोग मेरे साथ चैंटिंग करेंगे ताकि मेरे को सुनाई दे कि आपने ठीक चैंटिंग करा या नहीं। चोकुरे चोकुरे चकुरे चोकुरे चकुरे चोकुरे चकुरे चोकुरे चकुरे 3 बार, चकुरे 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 बस 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 बस, चकुरे एक बस बस एक बार ड्रॉ करना है, एक बार बनाना है, 3 बार बोलना है। जब भी आप ये सिंबल बनाएंगे, एक बार बनाएंगे, 3 बार उच्चारण करेंगे, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। तो सबको बनाना आ गया चोकुरे। हाँ तो चोकुरे को हमने कहाँ कहाँ बनाया जाता है? चोकुरे अपने पाम से बनाते हैं, अपने पाम पे बनाएंगे। देखिए मैं 5 उंगलियां यूज कर रही हूँ, तो कोशिश करें 5 उंगलियां यूज करें। चोकुरे 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 चोकुरे। मैडम एक बार वापस बता दीजिए। हाथ पे बनाएंगे, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। चोकुरे 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 एक बार बनाते हैं, 3 बार टैपिंग भी करते हैं। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मैडम अभी हाथ में बनाए, दोनों मैं आपको बता तो रही हूँ, आप लोग प्लीज हाथ में सुनिए, बनाना है मैडम। आप देखें और सुने प्लीज। पूरे आपको आपको हाथों पे बना के 3 बार बनाए, चोकुरे 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 चोकुरे। चोकुरे 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 बोलिए नहीं, अभी चोकुरे बोलिए नहीं क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हो जाएगी। तो अभी केवल मेरे को सुनना है, आप सिर्फ समझ लीजिए कि एक बार बनाना है। मन में 3 बार बोलिए, मन में बोलिए, अब मन में बोलिए चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मैं सिर्फ लाउड बोलूंगी ताकि आपको समझ आए। दोनों हाथों पे बनाना होता है, लिख लीजिए। चोकुरे को हम दोनों हाथों पे बनाते हैं हथेलियों को एनर्जाइज करने के लिए। हमारे हथेली के जो पाम चक्र है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कोई भी हीलिंग वर्क करने से पहले चोकरे दोनों हाथों को बनाएंगे। अब हम बनाएंगे 7 चक्रास पे। चोकुरे को हम दोनों हाथों पे, दोनों हथेलियों पे बनाते हैं। एक बार बनाते हैं, 3 बार बोलते हैं।
चोकुरे चोकुरे चोकुरे, तो उससे हमारे पाम चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद सेवन चक्रा से बनाते हैं, अपने सातों चक्र पे किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, डजंट मैटर, ऐसे भी बना सकते हैं, साइडवेज भी बना सकते हैं, जहां पे आपको कंफर्टेबल होगा। तो चोकुरे 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 क्राउन चक्रा पे सब लोग बनाएंगे अपने चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मन में बोलना है, जोर से नहीं बोलेंगे, तीन बार रिपीट करना है। फिर बनाएंगे थर्ड आई चक्रा पे चोकुरे चोकुरे चोकुरे। फिर गले के चक्र पे चोकुरे चोकुरे चोकुरे। हृदय चक्र पे एक बार बनाना है चोकुरे चोकुरे चोकुरे। फिर हमने बनाना है सोलर चक्रा पे चोकुरे चोकुरे चोकुरे। फिर नाभि चोकुरे चोकुरे चोकुरे। फिर रूट चक्रा चोकुरे चोकुरे चोकुरे। जैसा बनता है वैसा, मतलब जो शेप है वो सही होनी चाहिए, बाकी बड़ा छोटा इसकी चिंता ना करें। सातों चक्र पे बनाने से आपका चक्र जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आप बनाते हैं सातों चक्र पे चोकुरे, तो आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, उनमें एनर्जी फ्लो करने लगते हैं, इसलिए हम सातों चक्र पे बनाते हैं। दोनों हाथों पे बनाएंगे, सातों चक्र पे बनाएंगे। अब हम बनाते हैं अपने अपनी छह दिशाओं पे। हमारी छह दिशाएं कौन सी होती हैं? आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। क्लियर है सबको? छह दिशाएं होती हैं, ठीक है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर और नीचे भी। तो अपने छह दिशाओं पे भी हम चोकुरे बनाएंगे। देखिए, तो हम ये सब हमारा, क्योंकि एनर्जी फॉलोस थॉट, तो हम सिर्फ विजुलाइज करें चोकुरे चोकुरे चोकुरे। ये सर पे बनाया, फिर मैं विजुलाइज कर रही हूँ, ये मैंने अपने नीचे पाँव पे बनाया चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अपने साइडवेज चोकुरे 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 चोकुरे, आगे और पीछे चोकुरे 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 चोकुरे। तो हमने छहों दिशाओं पे बना लिया। आपने छहों दिशाओं पे चोकुरे अपना बना लिया, ये आपको प्रोटेक्शन देता है। अपनी छहों दिशाओं में चोकुरे बनाने से वो आपको प्रोटेक्शन मिलती है। आपने बनाया अपने दोनों हथेलियों पे, अपने सेवन चक्रास पे, अपने छहों साइड में। अब आंखें बंद करेंगे सब लोग, आंखें बंद करेंगे एक मिनट के लिए, और अपने आप को विजुलाइज करेंगे। एक व्हाइट लाइट पिरामिड आपके सर के ऊपर से आ रहा है, ऐसे विजुलाइज करिए, टेंट की शेप में, टेंट जैसे होता है, ट्रायंगल जैसे होता है, त्रिकोण जैसे होता है, त्रिकोण रूपी व्हाइट लाइट आपको सर के ऊपर से पड़ रही है। पिरामिड शेप की व्हाइट लाइट आपके सर के ऊपर से आ रही है, आपके आगे पीछे दाएं बाएं आपका बेस कवर करते हुए व्हाइट लाइट आपको प्रोटेक्शन में डाले हुए है। व्हाइट लाइट आपको प्रोटेक्शन में डाले हुए है। इसमें आप सेफ और प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, आपका मन सेफ और प्रोटेक्टेड फील कर रहा है। अब बिल्कुल सेफ और प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। अब आंखें खोल दें, आंखें खोल लें। तो प्रोटेक्शन में डालने के लिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकलने से पहले खुद को प्रोटेक्शन में डालना जरूरी होता है? नहीं। कोरोना का डर है, इन्फेक्शन का डर है, एक्सीडेंट का डर है, बहुत सारी चीजें हैं ना, नेगेटिव एनर्जी। और कई जगह ऐसे होता है, जैसे अपने लोगों में मानते हैं शमशान घाट, कब्रिस्तान, इस तरह वहां पे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो आप बच्चों को नजर लगना, ये सब चीजें होती हैं या नहीं होती हैं? यस नो? यस 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 मैम। नेगेटिव एनर्जीज होती है, नजर लगना, ये सब होता है। कोई आपको लगता है नजर लग गई है, तो अपने आप को प्रोटेक्शन में डालें। ये 12 घंटे तक प्रोटेक्शन फील काम करती है। इसी तरह से अपने कमरे को भी प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक कमरा है, बेडरूम है, और मैं चाहती हूँ ये पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे। तो चोकुरे से मैंने सामने दीवार पे चोकुरे बनाया,
चोकुरे 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 चोकुरे। तो कमरे की छहों दिशाओं पे चोकुरे बना लिया मैंने और विजुलाइज किया कि पूरा कमरा जो है पिरामिड शेप में लाइट में बंद है। क्लियर है ये बात? हाँ मैम। तो चोकुरे को आपने कमरे में बना लिया छहों दिशाओं पे और खुद को पिरामिड शेप में डाल लिया, तो ये कमरे की प्रोटेक्शन हो गई। ऐसे ही आप अपने घर को विजुलाइज कर सकते हैं, अपने कमरे में बैठे बैठे अपने घर की घर का आगे पीछा दाया बाया ऊपर नीचे को विजुलाइज करके व्हाइट लाइट में डाल सकते हैं, व्हाइट लाइट पिरामिड में। इसी तरह से आप जो है रात को सोने से पहले अपने घर को, अपने कमरे को, खुद को, ताकि नींद अच्छी आए, चोकुरे में, कोई बच्चा बहुत डरता है तो चोकुरे में डाल के कर सकते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले अपनी फैमिली में, अभी हम क्लियर है अपने कमरे का प्रोटेक्शन, खुद का प्रोटेक्शन, घर का प्रोटेक्शन, ठीक है, दूसरों की प्रोटेक्शन विजुलाइज करें आपके हाथ के बीच में। हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है ना सबका, हर चीज का एक सूक्ष्म शरीर होता है। हम किसी भी चीज को जब हम विजुलाइज करते हैं तो उसका सूक्ष्म रूप हमारे हाथों के बीच में आ जाता है। तो अपने आंख बंद करके जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को अपने प्रोटेक्ट करना है उसका सूक्ष्म रूप उसको विजुलाइज करेंगे कि आपके दोनों हाथों के बीच में वो है। मान लीजिए आपकी गाड़ी है, रात को अपने यहाँ दिल्ली में तो बहुत चोरी का रहता है, उधर भी होता है आप लोगों के यहाँ साइड भी चोरी रात को होता है या नहीं? नहीं उतना नहीं होता। अच्छा तो होता है। मैं तो, मेरी कल मेरे बेटे की कल महंगी वाली साइकिल चोरी हो गई। तो अब रात को विजुलाइज करना है अपने हाथों के बीच में साइकिल, गाड़ी, कार, घर, कुछ भी, ज्वेलरी, पैसा, ऑफिस, उसको विजुलाइज करना है अपने हाथों के बीच में। क्लियर है? और उसको छहों दिशाओं में चोकुरे बनाना है। तो आपके हाथ में है, आपने आगे की तरफ बनाए चोकुरे, आगे जैसे उसके आगे बनाया चोकुरे चोकुरे चोकुरे, साइड में बनाया चोकुरे चोकुरे चोकुरे, पीछे बनाया चोकुरे चोकुरे चोकुरे, इस साइड बनाया चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ऊपर बनाया चोकुरे चोकुरे चोकुरे, नीचे की तरफ बनाया चोकुरे चोकुरे चोकुरे। और विजुलाइज करिए वो व्हाइट लाइट पिरामिड में बंद है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो व्यक्ति है, जो वस्तु है। तो किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, किसी भी चीज को प्रोटेक्शन में डालने के लिए आपने छहों दिशाओं उस चीज को विजुलाइज करना है, उसकी छहों दिशाओं में चोकुरे बनाना है, तीन तीन बार बोलना है और व्हाइट लाइट पिरामिड में कवर करना है उसे, और मन में भाव रखना है कि वो सेफ और प्रोटेक्टेड है। एफर्मेशन देना है कि सेफ और प्रोटेक्टेड है। बेटा बाहर जाता है उसको प्रोटेक्शन में डालो, बेटा अमेरिका में है उसको भी प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं, पता है आपको ये बात? हेलो, बाहर आप जा रहे हो, बाहर आप जा रहे हो प्रोटेक्शन में डाल यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में भी अपने बेटे को प्रोटेक्शन में डाल सकते हो, क्योंकि एनर्जी फील्ड, जो एनर्जी है वो बहुत फास्ट जाती है आपकी थॉट, तो जो आप थॉट दे रहे हो उस समय कि वो प्रोटेक्शन में है तो वो प्रोटेक्शन में होगा। तो आपने उसको प्रोटेक्शन में पूरी तरह से डाल दिया, और कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कितनी भी दूर क्यों ना हो उसको आप डाल सकते हो। आप ऑफिस चले गए, घर में आपका कोई कीमती सामान पड़ा है और मेड आ रही है, उसको विजुलाइज करके चोकुरे में डाल दो। इसका मतलब ये नहीं है कि ताले लगाना बंद कर दो कि चोकुरे, मैम ने बोला है चोकुरे, अब तो हम घर खुला छोड़ेंगे और चोकुरे से ही प्रोटेक्शन करेंगे। आपने पहले छहों दिशाओं में चोकुरे बना लिए फिर पिरामिड में डाल दिया, तो आपने डबल प्रोटेक्शन कर दी, पहले पिरामिड कर दिया फिर छहों दिशाएं डाल दी। मैडम पिरामिड का एक बार हमको दोबारा बता दीजिए कि पिरामिड में ऐसे एग्जैक्टली क्या विजुलाइज करना है, क्योंकि वो मेन पॉइंट वो है। आपको पिरामिड देखा है शक्ल? नहीं तो आप एक पिरामिड का फोटो सामने रख लीजिएगा, पिरामिड की शेप में लाइट आ रही है, सफेद रोशनी में कवर है, एक पिरामिड की शेप सबको पता है, पिरामिड हाँ वो तो मालूम है।
तो शेप वो सब व्हाइट लाइट की, वो शेप व्हाइट लाइट की हो गई है। आपको शेप को विजुलाइज करना है कि जैसे एक रोशनी आ रही है, विजुलाइज ही तो करना है, इमेजिन ही तो करना है, मन में भाव, मन में भाव ही करना है आपको कि वो है, कि वो है बस। अब आपको रोशनी दिखे या ना दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ विजुलाइज करना है।